अरे वाह, आज खाने में क्या है? आ गए तुम? कब आए? अरे 10 मिनट हो गए, माँ को नमस्ते बोल के आ रहा था तुम्हारे पास। तुम मुझे एक बात बताओ, कितने साल हो गए मेरी शादी को? 17 साल हो गए। 10 साल से तुम्हारी माँ हमारे साथ रह रही है। तुमको कभी नहीं लगता है कि एक दिन आके मेरे को पहले मिल लो? सारा दिन मैं नौकरानी की तरह काम करती हूँ यहाँ पर, ठीक है? सुबह 5 बजे उठती हूँ, बच्चों का टिफिन, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ये तमाशा चलता रहता है, फिर होमवर्क चलेगा, चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद आपकी माता जी शुरू हो जाती है यहाँ पर, मेरे ये सहेली वो सहेली आ रही है, ये करना है वो करना है, मेरे को शुगर का प्रॉब्लम है, चाय ऐसे बहती है यहाँ जैसे पानी होता है, ठीक है? एक तरफ होती है चाय में शक्कर नहीं, दूसरी तरफ इतनी जलेबी ठूस ठूस के खा रहे होते हैं सब, मैं लगी रहती हूँ सारा दिन यहाँ पर। अजीब लोग हैं, ऐसे महारानी की तरह रहती है। लिपस्टिक देखिए कैसी लगाती है तुम्हारी माँ, इतनी तो मैं करवा चौथ में नहीं लगाती हूँ, बताओ। और एक हमारी काम वाली, वो तो जी सबसे बड़ी महारानी है, ठीक है? आज कितनी आई है बोलो, नौकरानी में बता रही हूँ मैं ही उस घर की। अच्छा अच्छा बस करो। क्या बस करो यार, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? आज बिल आया आपका, ठीक है, बिजली का बिल, जाओ 2-4 हजार रुपए और दो अपनी माँ को। एसी लगा के सारे दिन बैठ के वहां पे टीवी देखती रहती है, बच्चों को भी साथ में ले रखा है, बिगड़ रहे तुम्हारे दोनों बच्चे। अजीब से लोग हैं यार सारा दिन बैठ के। एक वो बिट्टू, मम्मा खाने में क्या है? अरे थोड़ी देर रुक जाओ, बना रही हूँ यार। खाने में क्या है, सुबह से शाम खाने में क्या है, खाने में क्या है? सुनो पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ, बड़े हो रहे बच्चे और तुम्हारी ना माँ बिगाड़ रही है उनको। एक तो वो गुड्डी है, लगी रहती है पता नहीं क्या अंग्रेजी चैनल देखती है सारा दिन बैठ के टीवी पे, तुम देख लेना। और एक ये बिट्टू, वो सारा दिन अपनी दादी के पास रहता है, हर रोज 10 रुपए लेके जाता है उनसे। वो बिगड़ेगा ना तुम्हारे ऊपर आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। सुशीला सांस लो, सर फट जाएगा तुम्हारा। वही चीज।